बड़ी खबर सामने आ रही है। युद्ध में रूस के हमलों का यूक्रेन भी जवाब दे रहा है। युद्ध के दौरान एक गाड़ी के तबाह होने की तस्वीरें सामने आई हैं। दावा किया जा रहा है कि यह गाड़ी रूसी सेना की थी जिसे यूक्रेन ने तबाह कर दिया। तो खेरसोन एक ऐसी जगह है जो रूस और यूक्रेन दोनों के लिए काफी अहम है, क्योंकि इसका एक बॉर्डर क्राइमिया से सटा हुआ है जो रूस के कब्जे में है, और रूस किसी भी सूरत में खेरसोन को छोड़ना नहीं चाहेगा। खेरसोन न सिर्फ यूक्रेन के लिए अहम है बल्कि ये रूस के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। खेरसोन का बॉर्डर क्राइमिया से सटा हुआ है। 2014 से रूस का क्राइमिया इलाके पर कब्जा है। ये जगह रूस को काला सागर तक जमीन का रास्ता मुहैया कराती है। यूक्रेन की सेनाएं अगर खेरसोन में आक्रमक होती हैं, तो रूस को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि खेरसोन से रूस को खदेड़ने का मतलब है यूक्रेन क्राइमिया के करीब आ जाएगा। क्राइमिया को रूस रणनीतिक तौर पर अपने लिए बेहद अहम मानता है। साल 2014 में क्राइमिया से अलग होकर ही खेरसोन को बनाया गया था, मौजूदा वक्त में जिसकी आबादी करीब 2,80,000 है। यूक्रेन आज तक क्राइमिया के अलग होने के सदमे से उबर नहीं सका है। ऐसे में अगर खेरसोन भी उसके हाथ से जाता है तो ये बड़ा झटका होगा। नीपर नदी के किनारे और काला सागर के मुहाने पर स्थित खेरसोन एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है, जहां से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। तब से ही यूक्रेन की मिलिट्री इसी इलाके को लेकर बेहद फिक्रमंद है, क्योंकि नीपर नदी की वजह से भी खेरसोन इलाका बेहद अहम हो जाता है। जाहिर है अगर यूक्रेन की सेना खेरसोन में कामयाबी हासिल कर रही है, तो पुतिन की सेना के लिए ये खबर और बड़ा झटका साबित हो सकती है।